हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हमारा बीआर रैंक पुशिंग का एपिसोड नंबर होने वाला 8, जहां की अभी रीजन पे टॉप विंस के मामले में टॉप 3 पे चल रहे 266 विंस के साथ। और बात करें गाइस एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन के मामले में हम यहां पर चल रहे हैं अभी टॉप 4 पे, वो भी 3136 किल के साथ। और बात करी जाए गाइस AWM की, तो हम AWM के अंदर टॉप 3 पे चल रहे हैं, तो आज ट्राई करेंगे कि टॉप 2 कंप्लीट कर लें। तो चलो आज के मैच को यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब ये मैच था हमारा आज का पहला मैच जिसके अंदर मेरे 7 किल थे एंड लास्ट के 4 बंदे अलाइव थे, तो मैं इसके ऊपर चढ़ा हुआ था बंदे खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास AWM होने वाली है, साथ में UMP। तो वेट, अभी नीचे साइड बंदे तो हैं, हमें नीचे भी कूदना पड़ेगा। एक बंदा, अच्छा वो बंदा नहीं है, लूट क्रेट है, एक बंदा भी है उधर ही। वेट, वो नीचे है, स्कैनर यूज करते हैं और हमें नीचे भी उतरना पड़ेगा क्योंकि 18 सेकंड के अंदर जोन भी श्रिंक हो रहा है। अपने इधर एक बंदा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैडी कर लेंगे और सीधा नीचे कूदेंगे। तो सुपर मैडी हमने कर ली है, अब सीधा नीचे जंप करते हैं। ओ भाई, मेरे यहीं पर ही एक जस्ट बंदा है, ये बंदे ने मेरे को देखा ही नहीं और बंदा खत्म। तो यहाँ पर अपने 8 किल हो चुके हैं, लास्ट के भी 3 बंदे अलाइव हैं। यहाँ पर डिमेट्री पड़ा हुआ है बट हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारी ऑलरेडी डिमेट्री स्किल एक्टिव स्किल में है। और सामने बंदा, ये भी सोनिया एक्टिव, ओके वो भी खत्म हो चुका है। अब जस्ट एक और बंदा बचा हुआ है लास्ट का। वेट, मेरे पास लॉन्चर है, साथ में ग्रेनेड भी है, तो वेट ग्रेनेड करेंगे इस पे। ओके, 2 बार डैमेज आया, 3 बार डैमेज आ गया उसको, बंदा ग्रेनेड से खत्म हो गया। तो फाइनली गाइस ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है, बुया बुया बुया। और ये आज का पहला मैच था जिसके अंदर हमको 30 का प्लस मिल गया था और साथ साथ यहाँ पर हमारी स्ट्रीक आती है 4 की। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें ये वाले मैच की, तो मेरा जस्ट 1 किल था, लास्ट के भी 5 बंदे अलाइव हैं। रुको, यहाँ पर सामने एक बंदा है, ग्रेनेड कर रहा है मेरे पे। ओके, स्किल ब्लॉक, ओके 60 का डैमेज, ओके फिर से थोड़ा बहुत डैमेज है और फाइनली खत्म। तो यहां पर अपने 2 किल हो चुके हैं एंड लास्ट के भी 4 बंदे अलाइव हैं और इसके बाद भी स्नाइपर एमो वगैरह पड़ी हैं, तो ये भी उठा लिया हमने। एंड अपने पास 74 एमओ है, मतलब कि 70 से ऊपर एमओ है अपने पास स्नाइपर की। इतने में तो हम कितने बंदे मार सकते हैं, बट अभी लास्ट के जस्ट 4 ही बंदे अलाइव हैं एंड नीचे ड्रॉप वगैरह तो गिरे हुए हैं, बट मैं इस साइड एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता बंदे हो सकते हैं इस साइड में। कि इधर तो कोई नहीं दिख रहा, एक और बंदा ख़त्म हो चुका है, अब जस्ट 3 ही बंदे अलाइव हैं। बट पता नहीं बंदे कहाँ पर हैं, दिख ही नहीं रहे। ओके, इस साइड से कोई आ सकता है, ओके गाड़ी है वहाँ पर लगी हुई। ओके, बंदे ने डैमेज दिया मेरे को, बट है कहाँ पर, ओके यहाँ पर आ गया पत्थर के यहाँ पर। ये रश करने आएगा तो इसे ख़त्म करेंगे, अपने में ग्रेनेड भी नहीं है। आया है डैमेज, सोनिया एक्टिव, ओके नॉक हो चुका है, चलो ख़त्म कर लेते हैं और फाइनली ख़त्म। तो अब जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है और एक और बंदा किसी और ने ख़त्म कर दिया है, तो हमें जस्ट उस आखिरी वाले बंदे को ख़त्म करना है और भुया लेके जाना है। तो वेट, सामने है वो बंदा, खोपड़ी दिखा दे भाई, और पीक ही नहीं दे रहा अब। ओके, दिया फिर से पीक, डैमेज, एक और गोली उसको मैं पड़ ही जाती, बस उसने ग्लू वॉल लगा दी। अपने पास ना ग्लू मेल्टर वगैरह है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो जाएगा ही नहीं, बहुत दूर है वो बंदा। रुको, एक और डैमेज मारने का ट्राई करते हैं, चलो एक और डैमेज पड़ा। वेट, आगे चलते हैं, वो ग्रेनेड नहीं है ना, नहीं तो मैं इसको ख़त्म कर देता। वैसे जोन तो अपनी वाली साइड बन रहा है, तो इसे निकलना पड़ेगा, पर डैमेज है। चलो, एक और गोली का बचा हुआ है, डैमेज भाई, कितनी बारी शॉट मार रहा है इसको, इतनी जल्दी मैडी फुल कर ले रहा है।
और फाइनली खत्म। तो ये वाले मैच के अंदर हमको जस्ट 4 किल के साथ बुया मिला एंड ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है यहाँ पर 27 का, साथ साथ हमारी स्ट्रिक आती है यहाँ पर 5 की। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 5 किल थे एंड मैं ड्रॉप लूटने के लिए यहाँ पर आया था, तो अभी भाई एक बंदे ने मेरे को इतना खतरनाक कर डैमेज दिया, मेरा हेलमेट काला कर दिया और जस्ट मेरे को 25 की एचपी का रखा हुआ है। वेट डैमेज, वो बंदा ग्रेनेड कर रहा था। ओके लास्ट के जस्ट 3 ही बंदे अलाइव है। पहले अपने को अपने सामने वाला बंदा ख़त्म करना पड़ेगा, तो नीचे से निकल जाते हैं, इसके घर के नीचे रहेंगे। एक और बंदा ख़त्म हो चुका है और एक मेरे को सामने वाले घर पे दिखाई दे रहा है, तो एक काम करते हैं पहले इधर ही रहेंगे। सामने भी ग्लू वॉल लगी हुई है, लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए हैं जस्ट, एक तो अपने ऊपर बचा हुआ है और एक और पता नहीं किस साइड पर है, कन्फर्म नहीं पता, तो इसको ग्रेनेड करते हैं। ओके उसने ग्लू वॉल लगाई ऊपर, एक बंदा शायद उस साइड पे है। अभी अपने को यहीं पर ही वेट करना पड़ेगा, अपने पास एक और नेड है, इस बार भी डैमेज नहीं आया अपने पास ना। वैसे M10 होने वाली, सामने बंदा दिखा डैमेज, वो एक गोली का बच गया था, फिर से निकल जाए एक बारी भाई, उसने मेरे को ही डैमेज दे दिया। अभी ना अपने को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा क्योंकि 6 सेकंड के अंदर जोन श्रिंक हो रहा है और एक जस्ट अपने ऊपर बंदा है, देखो यहाँ पर ग्लू वॉल लगाई हुई है इसने। डैमेज, एक गोली का बच गया, इसकी वॉल तोड़ देते हैं जितनी भी है, जोन आ रहा है, एक जस्ट अपने राइट में है और एक सामने है, थोड़ा बहुत आगे निकलना पड़ेगा, जोन श्रिंक होते जा रहा है। ग्लू मेल्टर भी अपने पास, तो आगे जाके ये वाले बंदे की ग्लू वॉल तोड़ेंगे। ओके उसके पास कैरेक्टर नहीं है नायरी वाला, तो इन दोनों का पता नहीं, दूसरे वाले का पता नहीं मेरे को इसके पास है या नहीं, बट इस वाले को ख़त्म करेंगे। ग्लू मेल्टर, वो बंदा भी बोल लगा भाई दोनों के दोनों मुझे ही मार लो। डैमेज, एक गोली का ही है, भाई कितनी वॉल है इसके पास, हम तोड़े जा रहे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना नेड बचे ना ग्लू मेल्टर बचा है, इसको डैमेज दिया, सोनी एक्टिव और फाइनली खत्म। तो अब जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है, वैसे इसके पास ग्लू वॉल तो नहीं बचेंगी इतनी, भाई इसने हेलमेट खाली कर दिया था मेरा। वेट मैडी करना पड़ेगा पहले, ओके रश करते हैं, चलो ये रहा और फाइनली खत्म। तो ये वाला मैच भी हमारा निकल चुका है बुया बुया बुया, वो भी 7 किल के साथ, और ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 29 का, साथ साथ हमारी स्ट्रिक आती है 6 की। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 9 किल थे और एक बंदा जस्ट मेरे ही ऊपर यहाँ पर है। वेट भाई इसका भी सोनिया एक्टिव हो चुका है बट उसने डिमेट्री लगा दिया, मैडी कर लेते हैं, वो बंदा रिवाइव हो चुका है और एक और बंदा बचा हुआ है बट उसका पता नहीं हमें किस साइड पे है, हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा, बट इसके पास नायरी वाली ग्लू वॉल है तो एमओ वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वेट थोड़ा बहुत डैमेज फिर से आया, तो अपने पास ग्रेनेड, ओके स्कैनर यूज कर लेते हैं, जोन तो यहीं पर ही बना हुआ है और अपने पास 5 ग्रेनेड भी हैं, तो ट्राई करते हैं इसको ग्रेनेड से ख़त्म करने का। से लास्ट वाला बंदा एक और पता नहीं किस साइड पे है, पहले इधर चल देते हैं। ओके एक ड्रॉप गिर रहा है लेफ्ट में, ये बंदा अगर इधर है तो इसको खत्म करते हैं, कि उधर नहीं है शायद वो, बट एक और बंदा है वो पता नहीं किस साइड पे है, लॉन्च पर लगा के जाऊं मैं ऊपर, वैसे मैं इस करामाती चीज को करने की ट्राई तो कर रहा हूं ना, बढ़िया मेरे को मार ना दे उस चक्कर में। अरे यार शिट,
देखो यहाँ पहुँच गए हम तो यहाँ चले जाते हैं। ये काफी अच्छा था। सामने बंदा, वेट, डैमेज डैमेज, सोनी एक्टिव हो चुका है और फाइनली खत्म। तो अब जैसे एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है जो कि मेरे ही ऊपर है। रुको इसको भी खत्म करते हैं। इसको पता नहीं होगा मैं यहाँ पर आ गया हूँ वैसे। अरे अब उसको पता लग गया है। रुको लॉन्चर में शिफ्ट करते हैं। डैमेज डैमेज, दो गोली तो उसको पड़ गई है। रुको रुको उसको ख़त्म करना है अपने को। मेरे पास ग्रेनेड भी हैं तो ग्रेनेड ट्राई करता हूँ यहाँ से। भाई ये मेरे पे मर गया, मैं लॉल बच गया था। मैं मेरे पे ही नेड आ गया भाई। इतने खतरनाक के नेड मैं कैसे कर लेता हूँ बताओ यार। तुम में भी ये जज्बा है कि गाइस बताना मेरे को, अगर आप लोग भी ऐसे नेड करते हो ना तो मेरे को कमेंट करके बताना नेड ओपी करके। ये बंदा डैमेज और फाइनली खत्म। तो ये वाला मैच भी हमारा निकल चुका है बुया बुया बुया, वो भी 11 किल के साथ। और ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है 28 का, साथ साथ 7 की स्ट्रिक। अब ये वाला मैच था हमारा जिसके अंदर मेरे 3 किल थे, लास्ट के 5 बंदे अलाइव हैं। सामने एक बंदा, इसको मैंने हेडशॉट तो दे दिया है। ओके वो खत्म हो जाएगा। ओके फाइनली खत्म, क्योंकि उसके पास ओरियन कैरेक्टर था। और एक और बंदा मेरे को पीछे से मार रहा है, इसके पास AWM शायद। मैडी कर लेते पहले, वो क्लोज में आ रहा है रश करने के लिए। भाई साहब ग्रेनेड कर रहा था ये, ओरियन बन चुका है ये। नहीं। भाई मैं बच गया। मेरे को लगा था मैं मर जाऊंगा क्योंकि जोन भी आ चुका था, बट मैंने सही टाइम पे डिमिट्री ऑन कर दिया एंड वो बंदा जोन से ही डैमेज खा के नॉक हो गया, मतलब खत्म हो चुका था। अब लास्ट के 3 बंदे हैं और एक बंदा मेरे लेफ्ट से फायर दे रहा है। ओके पत्थर के वहां पर है शायद वो, या तो एलिमिनेट हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ एलिमिनेट हो चुका है। अब जिस ठीक आखिरी का बंदा बचा हुआ है जो कि सामने आर्सेनल वाली साइड पे ही है, चलो उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये वाले मैच के अंदर 6 किल के साथ भुया लेने का ट्राई करेंगे। वैसे भी लास्ट का ही बंदा बचा हुआ है। कि उधर ही मारा है उसने उसको। ओके पेड़ के पीछे है वो बंदा। डैमेज लॉन्चर, इसकी ग्लू वॉल तोड़ देते हैं जितनी भी है। डैमेज आया फिर से। देखो ग्लू मेल्टर है ना अपने पास। और ग्रेनेड भी कर देते हैं। अपने पास स्काइलर भी है तो रुको रुको अभी स्काइलर का भी यूज करेंगे। डैमेज बच गया वो। डैमेज अब करते हैं स्कैलर का यूज। नोप नोप नोप, और फाइनली सोनिया एक्टिव हो चुका है और खत्म। तो ये वाला मैच भी हमारा निकल चुका है बुया बुया बुया, वो भी 6 किल के साथ। और ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 26 का, साथ साथ 3 की स्ट्रिक फिर से लग जाती है। बात करें गाइस ये वाले मैच की तो मेरे 6 किल थे, लास्ट के जस्ट 3 बंदे अलाइव हैं। और सामने मेरे को बंदा भी दिख रहा है। वेट डैमेज, एक गोली का बचा हुआ है और नॉक हो चुका है। चलो खत्म करते हैं और फाइनली खत्म। तो जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है और हमको उसको ढूंढ के खत्म करना है। और ये वाले मैच को कम से कम 8 किल के साथ भुया ले लेंगे। और वो बंदे को ढूंढना पड़ेगा पहले अपने को। ओके डैमेज दे रहा है पूरा। डैमेज ओके अभी वो एक और बार बाहर निकलेगा ना तो हम लॉन्च पैड मार के सीधा उसके पास निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लॉन्च पैड लगा दिया हमने और बस जस्ट उसके निकलने का वेट है। डैमेज ग्लू वॉल लगा दी, तो एक काम करते हैं लॉन्च पैड यूज करके निकलते हैं। ओके उस बंदे ने मेरे को देखा नहीं है। डैमेज फिर से इसने वॉल लगा दी। ओके डैमेज आया। इस बंदे को मैं AWM के साथ ही खत्म करूंगा। भाई हेडशॉट पड़ गया उसको और फाइनली खत्म। वो बंदा ऐसा आया, मैंने सीधा हेडशॉट स्कोपिंग किया और हेडशॉट ही पड़ गया। तो
तो फाइनल गाइस ये वाला मैच में हमारा निकल चुका है बुया, और इस वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस में ज्यादा 28 का, साथ साथ 4 की स्ट्रिक। तो आज का एपिसोड गाइस यहीं पर खत्म करते हैं। एंड बात करें तो यहाँ पर स्कोर की, तो हम 118 नंबर पे हैं अभी चल रहे हैं, और 15,000 स्कोर हो चुका है। बात करें गाइस यहाँ पर लीडर बोर्ड की, तो विंस के मामले में टॉप 3 हमारे 300 विंस भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड 305 हो चुके हैं। और बात करें एलिमिनेशन में, तो टॉप 3 पे आ चुके हैं और 3,500 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बात करें गाइस वेपन ग्लोरी की, तो हम टॉप 2 पे आ चुके हैं एंड हम फुल ट्राई कर रहे हैं कि इस वीक का टॉप 1 का टाइटल ले लें। तो आप लोग इस वीडियो पे कम से कम 2K लाइक्स कंप्लीट करा दो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।